वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंड। तो क्या है खबर देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश व्यापम की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जो कृषि अधिकारी की परीक्षा थी उसमें घोटाला हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, ये टॉप 10 की जो लिस्ट थी, लगभग 4 से 5 जो कैंडिडेट थे उनके जो मार्क्स थे वो सेम मार्क्स थे। मतलब आप देख सकते हैं 100 में से उनके जो मार्क्स थे 195, 189, इतने टॉप मार्क्स थे। तो इससे लोगों को क्या अंदाज़ा लग गया था, और वो सभी जो लोग थे वो एक ही क्षेत्र के निवासी थे। तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया गया कि भाई इसमें घोटाला हुआ। फिर घोटाले की जांच की मांग की गई और ये घोटाला सही भी हुआ। भाई पेपर भी जो था इसका कैंसिल कर दिया गया था, फिर से परीक्षा ली जा रही है और अभी एडमिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। तो क्या है खबर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में कृषि जो परीक्षाएँ होती हैं वो व्यापम के द्वारा होती हैं, ठीक है। तो जो परीक्षा लीक हुई थी उसमें जो एजेंसी थी उसे टर्मिनेट कर दिया गया, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, भोपाल में है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और जो कृषि कल्याण एवं विभाग के अंतर्गत परीक्षाएं की गई थी उसमें NSEIT जो लिमिटेड कंपनी है उसे टर्मिनेट कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या खबर है, तो इसकी जो पेपर थे, जैसे पैरामेडिकल का एक पेपर था वो भी लीक कर दिया गया था। तो सरकार क्या है, सिर्फ टर्मिनेट कर सकती है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जो दोषी हैं उनको जेल नहीं भेजा जाएगा। तो अभी तक तो कोई खबर नहीं है, ऐसे ही इन पल्ला झाड़ दिया जाता है हर बार, बस टर्मिनेट कर दिया जाता है एजेंसियों को। कोई कड़े नियम बनाए जाएं जिससे इस प्रकार के जो पेपर लीक की घटनाएं वो ना हो पाए, पेपर लीक की घटना फिर से ना हो। इसी के चक्कर में MPPSC AE की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन से ऑफलाइन कर दी गई थी, ठीक है। उसमें भी शायद हो सकता है यही एजेंसी रही हो। अब देख लीजिए क्या है कि जो पेपर थे, जैसे कि आप जानते हैं इसमें हुआ किस प्रकार से था पूरा। जो MPSEDC ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी उसमें क्या पाया कि 11 फरवरी 2021 को जो परीक्षा का दिनांक था, 10 उससे एक दिन पहले ही PEB कंट्रोलर की ID और पासवर्ड को यूज़ कर लिया गया। तो PEB कंट्रोलर को अपनी ID पासवर्ड सभी को दे दिया जाता है क्या, इसमें कोई जवाब दे ही नहीं है। तो ये सवाल जो हैं अभी तक बने हुए, क्या PEB कंट्रोलर भी इसके ज़िम्मेदार रहेंगे, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ठीक है। उन्हीं की जो शाखा थी उसी से कॉन्फिडेंशियल रूम होता है, जो गोपनीय रूम होता है, वहाँ से पेपर को डाउनलोड कर लिया गया, जो कि एक गंभीर अपराध है, ठीक है। इसी कारण हुआ क्या, जो भी जो सीक्रेसी होती है या गोपनीयता वो भंग हो गई, और जो पेपर हैं वो किसी पूनम नाम की ID से डाउनलोड किए गए थे। तो आप देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं थी उनमें किस प्रकार का घोटाला हो रहा है। अभी राजस्थान की जो परीक्षाएं थी जूनियर इंजीनियर की, उसमें भी इसी प्रकार के घोटाले के चलते जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अभी परीक्षाओं को आगे बढ़ा दिया जाता है, या फिर चुनाव आते हैं तो आप अच्छी जांच करा देते हैं, पेपरों को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। कोरोना आता है तो पेपर को या तो रद्द करा देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो चुनाव तो सही टाइम पर हो जाते हैं, उनके रिजल्ट जो हैं चुनाव के रिजल्ट आप 2-3 दिन में ही दे जाते हैं, जबकि परीक्षाएं सालों साल चलती रहती हैं, 6 महीने तक उनका रिजल्ट लटकाया जाता है, ना ही उनकी कोई जवाबदेही होती है। आप स्क्रीन पर मार्क्स भी शो कर देते हैं लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन में आप नुकसान कर देते हैं कैंडिडेट्स का। कोई जो है गोपनीय जो प्रक्रिया है पूरी पारदर्शिता, उसमें ट्रांसपेरेंसी किस प्रकार से आएगी, तो इसका जो है हमारे जो छात्र हैं उनको देखना होगा कि आप कोई ऐसी सरकार चुनिए या सरकार से ऐसी मांग कीजिए कि परीक्षाएं समय पर पूर्ण हों, उनके रिजल्ट जब सही तरीके से जारी किए जाएं, पूरे जो रिजल्ट हैं सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी किए जाएं, और सभी कैंडिडेट्स को एक दूसरे के जो मार्क्स हैं वो देखने चाहिए, तभी इससे पता चलेगा कि किसी कैंडिडेट्स के मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं, तभी ही पता चल पाएगा क्या आपके साथ कोई किसी भी प्रकार की गलती हुई है या नहीं हुई। तो इस प्रकार की जो है मांग आपको करना पड़ेगी आपके आयोग से, आपकी सरकारों से, वरना आप रह जाएंगे बेरोजगार और बस पेपर पे पेपर, अगली परीक्षा की डेट आती रहेगी और आप पेपर देते रहेंगे, बस यही आपके साथ होता रहेगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और भी खबर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। आप सभी का धन्यवाद।